धर्म की नगरी काशी में 25 नवंबर को शुरू हुई परम धर्म संसद 1008 का मंगलवार को समापन हुआ। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आदेशानुसार धर्म संसद बुलाई गई थी, जिसमें अयोध्या राम मंदिर, विश्वनाथ कॉरिडोर, गंगा निर्मलीकरण, गौ रक्षा, गौ हत्या, वैदिक शिक्षा और धर्म पर राजनीति के मुद्दों पर जमकर चर्चा हुई। चैरिटी एक्ट के द्वारा साधु महात्माओं की संपत्ति का अपहरण करने की साजिश हो रही है, इससे हम समाज को जागरूक करेंगे। कुंभ में क्या राम मंदिर का मुद्दा रहेगा? ये भी रहेगा, सब मुद्दे रहेंगे। ये 3 दिनों का जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, उसमें क्या क्या किन की कौन कौन से प्रस्ताव मुख्य रूप से पास हुए हैं? इसका तो हम लोग 2 बजे आपको निष्कर्ष बता देंगे, और फिर सबसे ज्यादा साक्षी तो आप हैं, हम तो थोड़ी देर के लिए आते हैं। क्या सरकार पे भी दबाव बनाने के लिए आज इस संसद में बात हुई है? नहीं, सरकार जो है वो स्वयं ही उसको गुमराह कर रही है, नहीं कर रहे हैं वो, तो केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। और आप देखिए, वहाँ ये लोग इकट्ठे हुए, किसी ने तारीख बताई? सब लोग पूछने गए थे, भाई हमको तारीख बताइए, कुछ नहीं बताया। वहाँ इकट्ठा किया लोगों को और उसके बाद चले गए। तो स्वामी जी, आप भी तारीख मांग रहे हैं? आप भी तारीख मांग रहे हैं आज इस संसद से, धर्म संसद का जो है? हम तारीख नहीं मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि हम हमारा पक्ष जो है न्यायपूर्ण है, उनको न्याय सत्कार मिलना चाहिए।